लाइफ से मुझे बहुत कुछ चाहिए था और गोवा की लाइफ तो बहुत स्लो है, वो स्लो आराम से वाली जिंदगी तो मुझे चाहिए नहीं थी। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था पर वो क्रिकेट में कभी स्केल नहीं कर पाया। फिर लॉ की पढ़ाई कर दी मैंने, फिर लॉ प्रैक्टिस चालू की पर उसमें भी मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा था। मैंने पहले हमारे फैमिली बिजनेस जो होटल्स का है उसमें ज्वाइन किया, 6 महीने में वो छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर्स, पर लाइफ में मुझे वो किक नहीं मिल रहा था। मेरे दिमाग में हमेशा ये एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे कुछ एक प्रोडक्ट बनाना है जो होगा मेड इन गोवा या मेड इन इंडिया और जाएगा पूरी दुनिया में, पर वो क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कौन सी चीज है, ये मुझे मालूम नहीं था और उसकी खोज में तो मैं हमेशा रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं एक फार्म में था, चल रहा था बहुत सारे पेड़ों के बीच और तब मेरी नजर उस पे पड़ी। तब मैंने देखा कि वो ही है, मिला मुझे माय मैच मेड इन हेवन जैकफ्रूट। मैं उसके अंदर और गहराई से जाने लगा, तब मुझे पता चला कि ये जैकफ्रूट नहीं, ये एक जैकपॉट है और इससे ढेर सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शार्क्स।